भविष्यवाणी के अनुसार हमारे पृथ्वी पर कलयुग के अंत का काल चल रहा है। और पुस्तक के संदर्भ में ये पढ़ने को मिलता है कि मनुष्य ही अपने अंत का कारण बनेगा। सात अक्टूबर को इसराइल पर हमास का हमला और फिर गाजा पट्टी में मौजूद हमास के ठिकानों पर इसराइल की बमबारी शुरू होने के बाद से ही इंटरनेट पर भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। और पुस्तक के संदर्भ में ये पढ़ने को मिलता है कि मनुष्य ही अपने अंत का कारण बनेगा। भविष्य मल्लिका सारे विश्व के भक्तों के लिए एक अमूल्य ग्रंथ है। इंटरनेट के अनंत सागर में ऐसे सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे जिनमें भविष्य मल्लिका के आसरे बड़े युद्ध या फिर दुनिया पर बड़े हमले की बात कही गई है। सबसे पहले बताते हैं आखिर भविष्य मल्लिका को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध की नींव 2022 में रख दी गई। 2025 में लड़ाई विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगी और ये युद्ध 6 साल तक चलेगा। इन दावों में कितनी हकीकत है जाहिर तौर पर साबित करना मुश्किल है, लेकिन ये दावे चंद्र ग्रहण के दौरान की जा रही भविष्यवाणियों से मैच करते हैं, जिनमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वक्त का पहिया तेजी से मिनी वर्ल्ड वॉर की ओर घूम रहा है। और ये शरद पूर्णिमा का जो योग बना हुआ है, इसमें जो है बहुत सारे शुभ योग भी बन रहे हैं। इसके साथ ही जो है यहाँ युद्ध की जो स्थिति आप कह रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त, कोई ऐसा युद्ध नहीं होगा, विश्व युद्ध युद्ध तो होगा मगर इतना जबरदस्त नहीं होगा। इसके साथ ही जो है यहाँ पर राशि वॉर फ्रंट जो इधर उधर खुले हुए हैं उधर ही रहेंगे, ये लड़ाई पूरे दुनिया में नहीं फैलने वाली है, ज्यादा नहीं फैल। साफ है कि ज्योतिष के जानकारों का इशारा इसराइल युद्ध की ओर है, जिसे लेकर इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू साफ लफ्जों में कह चुके हैं कि युद्ध हमास के खात्मे तक नहीं रुकेगा। We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. नेतन्याहू लगातार सख्त संदेश दे रहे हैं, सीमा का दौरा कर सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब इसराइल युद्ध में है, तो ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि नेतन्याहू बुद्धिमान नेता हैं और वो लंबी राजनीतिक पारी खेलने के मूड में हैं। अच्छा, बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, उनकी राशि के बारे में किसी के पास अगर कोई जानकारी हो, आप में से कोई बताना चाहे, आप बताएंगे? हाँ बोलिए। तो इनकी पत्री में खास बात क्या है, मिथुन राशि में चंद्रमा का योग मंगल के साथ है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, निर्णय लेने वाला होता है, मंगल उसे बल देता है, चंद्रमा उसका सशक्त हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो सोचेगा, देश हित में सोचेगा और लंबी इनिंग खेलने के मूड में है, वो आसानी से नहीं छोड़ेगा। बेंजामिन अकेले नहीं है, उनके पीछे जो और सोर्स लगी हुई है, क्योंकि ये युद्ध एक दो का नहीं है, इसके पीछे और लोग भी हैं। यानी हमास के साथ युद्ध बेंजामिन नेतन्याहू की छवि को पहले से ज्यादा मजबूत बनाएगा, वैश्विक पटल पर सशक्त नेता के तौर पर स्थापित भी करेगा, लेकिन इसके साथ ही युद्ध के लंबा खींचने की आशंका भी बनी हुई है, जो पूरी दुनिया के लिए नया वॉर फ्रंट भी खोल सकता है।